गाइज एल्विश यादव एंड मैक्सटर्न के बीच सारा मामला रजत भाई ने सॉल्व करा दी है। ये रहा उसका इंस्टा लाइव फुल वीडियो। अब पूरा वीडियो मीर इस चैनल के थ्रू देख सकते हो। आ जाओ पीछे चलो चलो। तो सिस्टम भाई थोड़ा बिना सिस्टम के हैं फिलहाल। अभी हो गई है पॉजिटिव नोट पे बात। दो लोगों की बात थी, अभी ये दोनों खुद से बात करेंगे, देख लेना। भाई जो भी हुआ, जो आपने सारी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, थोड़े इधर आजा भाई फ्रेम में, सारी चीज देखी होंगी। हमारी जो भी बात थी गर्मा गर्मी में, चाहे भाई ने जो भी बात मेरे को बोली उसके चक्कर में मैं गया, और जो भी हमारी लड़ाई लड़ाई हुई वो अब सारी भाई अपनी तरफ से क्लियर है। एक बार भाई तुम और बता दो क्या क्या सीन है। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन था और थोड़ा सा मैं किसी ने तो उकसा दिया था मेरे को, तो थोड़ा सा मैं हो गया। तो मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने बता दिया इनको, शॉर्ट करेंगे उनके बारे में भी। आप बताओगे मतलब जो जो अपनी पूरी बात थी कि भाई ने भी कैमरा भी फिट करा, सारी चीजें करी, वो किसी के कहने पे करी, नाम मत ही लेना। तो अभी तो बात की बात में देखेंगे, बाकी मेरी तरफ से भाई सारी चीज क्लियर है। और मेरी तरफ से अब कोई फिजिकली सोशली कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। तुम मैं लड़ता मैं तो ना तो हम कौन से लड़ते फिरते घूमते भाई, हम भी सही रहते भाई अपना। एल्विस भाई के पार्ट पे तेरा नाम क्या था? सागर। कमेंट्स में जरूर बताना अपना विचार कि क्या ये कंट्रोवर्सी फेक था या रियल। फाइनेंशियली किसी हिसाब की प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होती है तो एल्विस भाई बहुत अच्छे से समझते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत जा सकते हैं। दंसी ने तो अब इस चीज को पॉजिटिव नोट पे करते हैं या खत्म। जय राम जी की भाई।